फेवरेट मूवी है हमारी। आवा तू मेहर मियां, दुनिया में सबसे महंगी चीज कहाँ मिल रही मालूम? अरे कहाँ मिल रही, लंदन में मिल रही या अमेरिका में मिल रही? नहीं रे मियां, आजकल कभी पेट्रोल पंप गया क्या? होशे उड़ जाना पेट्रोल की रेटा देख के। हाय शार्क्स, दिस इज निखिल, दिस इज मेहर। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आज के जमाने में हम सब लोग हार रहे, क्योंकि पेट्रोल की दाम के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जा रहा है। सही बात। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए गैरेट मोटर्स। गैरेट मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल एंड ट्राइसिकल बनाती है, और वो भी सिर्फ 24,000। एक सिंगल चार्ज में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये एक नंबर का चीज है। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि आज के जमाने में जैसा हर घर में स्मार्टफोन और बोट के ईयरफोन है, हमारी गाड़ी भी घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीज 2% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, क्या आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त। आप लोग फाउंडर ही हो ना? यस। ये लोग बाहर से कोई वो तो नहीं लाए ना एक्टर्स? नहीं 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 नहीं, नहीं। पक्का? पक्का प्रॉमिस। आप हैदराबाद से हो क्या? हैदराबाद से फाउंडर है। अरे मस्त एक्सेंट है आपका, लव इट। थैंक यू। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 24 है। मेरा 26 है। कैसे ये सब शुरू हो गया साइकिल का सिलसिला? मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लड़की तो नहीं थी तो मोटिवेशन नहीं था। तो इसीलिए कैंटीन में बैठता था। कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं था। तो इसीलिए खुद का एक कॉफी शॉप स्टार्ट कर लिया। अरे वाह। कॉलेज वाले ने बोला, भाई तू इधर पढ़ने आए हैं, बिजनेस करने नहीं, तू कॉफी शॉप बंद कर। तो उस कॉलेज वाले को कॉफी शॉप बेच लिया। कितने में बेचा? 75,000 में। वाओ, वेरी गुड। कॉफी शॉप में बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे थे, तो क्राउड बहुत पुल हो रहा था। इसीलिए हमने क्या करा, एक सीएससी वाले बंदे को बाया, कुछ कर सकता है तू इधर? तो उन्होंने बोला, भाई क्यूआर कोड लगाएंगे और तू प्री ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने अमीगो करके मैंने एक ऐप चला दिया, और उधर से जब कॉफी शॉप बंद हुआ, वही क्यूआर कोड मैं रेस्टोरेंट में लगाना शुरू कर दिया, और नया कंपनी फाउंडर बन गया मैं। और स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, डायरेक्टर का नाम छपा लिया, प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया। और 6 महीने में हमने 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में थे। तब जब ये कर रहे थे, लोकल एक POS कंपनी ने अप्रोच किया हमको, और उस कंपनी को हमने ये बेच लिया 2 करोड़ में। एंड 19 साल के उम्र में मेरे पास 2 करोड़ आ गए। तो हमने 1-2 लैंड खरीद ले, और मेरा फाउंडर मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप लगाने का। क्या स्टोरी है यार, ये कहाँ से मिल गया आपको? ये मेरा सुपर सीनियर है। ट्राइसिकल बिजनेस है आपका? हाँ, और उससे ये साइकिल की जर्नी कैसे आ गई अब? अच्छा, एक्चुअली बाइसिकल से शुरू किया हमने, फिर हमारे पास एक स्पेशली एबल्ड आदमी आता है, बोलता है, भाई तू ये मेरे को कर सकता है क्या? बोला चैलेंज के लिए लिया। वो ट्राइसाइकिल दिख रहे हैं ना आप, रेड कलर की, तो वो उसको ट्रांसफर करके दे दिया। 1 महीने के बाद वो वापस कॉल करके बोलता है, भाई सुन, मैं 36 इयर्स में ना सनराइज नहीं देखा, तेरे साइकिल की वजह से मैं आज हर सुबह मिल्क पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ और 300 रुपए दिन का कमा रहा हूँ। अरे क्या बात। ये स्टोरी इतना मूविंग लगा हमको, हमने वो विजन कंटिन्यू किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1500 साइकिल गवर्नमेंट्स को बेच दिया। वाओ वाओ, वेरी नाइस। मैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस नंबर बता दो, इक्विटी निकाल दो। थैंक यू। अच्छा, मतलब मेरा ऑफर कंफर्म है, अनलेस एंड अंटिल कुछ रेड फ्लैग दिखेगा, बट नहीं नहीं। एक ना चीज होती है, जैसे अभी पीयूष ने बोला टू गुड, समटाइम थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू। यस, तो मैं भी आप में अब मैं डिफेक्ट ढूंढना शुरू करूं। तो आपकी इक्वल शेयर होल्डिंग है दोनों की? नहीं, 60-40 है। okay. क्योंकि मैं बिजनेस एक्सपीरियंस ला रहा था पहले, तो वो डिसाइड किया था हमने 60-40 करा। अभी आपका क्या रेवेन्यू है? तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4 करोड़ तो रेवेन्यू कर दिया। 21-22 में आपने कितना? 3 करोड़ करा। लास्ट 4 मंथ में हमने 1.5 करोड़ करा। तो 4 करोड़ कहां से आया?
अभी तक आज तक जितना रेवेन्यू करे वैसे बोलना चाहे अच्छा तो आप नॉट लास्ट फाइनेंशियल ये सैंपल है या ये चलती है चलती है तो हम चला के देख लें प्लीज 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 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपने 3 crores किया और अभी दिस फाइनेंशियल ईयर कितना करोगे ट्राइसाइकिल और बाइसाइकिल में मिला के हमारा प्रोजेक्शन इस साल 20 करोड़ है ये पिछले महीने कितना किया लास्ट महीने 50 लाख तो आप 2 crore के रन रेट पे कैसे पहुंचे वी हैव ऑलरेडी अ साइंड ऑर्डर फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंटिटी टू गिव दोस ट्राइसाइकल्स फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल फॉर 20 करोड़ रुपीस इन दिस ईयर तो 20 करोड़ कैसे फिर तो 26 करोड़ हो जाएगा आपका रेवेन्यू 26 करोड़ कैसे होगा अभी ऑलरेडी 50 लाख रेवेन्यू रन रेट है ना आपका हाँ, आज 50 लाख और 20 करोड़ का ऑर्डर मिल गया जो आप ये साल में फुलफिल करोगे ये साल में फुलफिल पूरी नहीं कर पाते नहीं होएगा अच्छा समझ गया अभी आप प्रॉफिट बना रहे हैं लास्ट टाइम हमने करीब करीब 8 lakh प्रॉफिट किया है इस महीने भी वही 9 lakh से 10 lakh प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब हम टेस्ट ले सकते हैं सैंपल डेफिनेटली डेफिनेटली प्लीज मैं ट्राइसिकल चलाऊंगी भाई तो सही है यार ओह इट्स सो मच फन ब्रो दिस इज टू गुड दिस इज आउटस्टैंडिंग चलो भाई मेरा काम तो हो गया गुड बाय एवरीवन बाय बाय गुड बाय अगले सीजन में मिलेंगे व्हाट आर यू सेइंग मेरे को ना 10x आइडिया पसंद है ये 10x लग रहा है ये 10x एंटरप्रेन्योर है हां या आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक करना है और ये कैसे ट्रिगर कैसे हुआ है जब इलेक्ट्रिक स्कूटीज आना शुरू हुए मार्केट में ब्रांडेड कंपनीज 1 lakh 1.5 lakh बेच रहे थे तो 50,000 और 40,000 में खरीदने वाले जो बाइक्स है पैशन प्रो है स्कूटी पेप है वो मार्केट अधूरा पड़ जाता था तो ये हम वो स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे थे क्योंकि हमने ओमनी नैनो बनाया मगर उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे थे ओमनी को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक में इंजन उठा लिया और इलेक्ट्रिक इंजन डाल दिया बैटरी वैटरी लगा दिया 1.5 lakh का खर्चा पूरा ओमनी कन्वर्ट हो गया तब हमारे पास उतना पैसे नहीं थे तो मैं बोला साइकिल्स करेंगे क्योंकि ऑटो ओमनी तो चल नहीं रही बहुत पैसे लगेंगे तो फिर साइकिल्स करना शुरू किए तो चलिए आप गाड़ियों से साइकिल पे आ गए अब ये बताइए साइकिल्स में 3-4 मॉडल दिख रही हैं अलग अलग एक जो मैंने चलाई वो ऑरेंज थोड़ी हैवी है और बाकी सिमिलर तो इसमें कोई डिफरेंसेस है आप जरा पॉइंट आउट कर सकते हैं दिस इज द बेसिक मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज L एंड दिस इज I दिस इज F एंड दैट इज E पूरा मिलाकर लाइफ बनता है L I F E वेरी गुड तो 24000 वाली कौन सी है L स्टार्ट्स एट 24000 I 28 34 एंड 38 तो स्पेक्स अलग-अलग है मोर पावरफुल स्पेक्स अलग-अलग है मगर परफॉर्मेंस सेम है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बैटरी पैक है वो आप निकाल के चार्ज करते हैं कि उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इट इज अ डिटैचेबल बैटरी एल्यूमिनियम केसिंग के साथ आता है जो कूल करता है बैटरी को हर समय तो जल नहीं जाएगा कुछ नहीं जैसे हम स्कूटर को जलते देख रहे हैं आजकल नहीं वो बैटरी आप डिटैच करके दिखा सकते हैं यस और कितने घंटे में चार्ज होती है ये 2 घंटे में चार्ज होती है वो बड़ी बैटरी 3 घंटे में ये क्या लेड एसिड क्या कौन सी बैटरी इट्स अ लिथियम आयन बैटरी तो हम बैटरी बॉक्स क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं बैटरी बॉक्सेस को आई लव इट एक ये जो हब रहता है इधर मोटर रहता है जो व्हील को घुमाता है और इससे कनेक्टेड रहता है ये बैटरी हर लोग सभी जो मार्केट में चल रहे हैं ये कंट्रोलर और बैटरी सब अलग रखते हैं क्योंकि वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उस पे प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो ये हमने एक ही कर दिया और ये आपने इंडिया में बना रहे हैं ये इंडिया में बना रहे हैं वो भी हैदराबाद में वेरी गुड तो हमने जब ये रिसर्च R&D डेवलपमेंट कर रहे थे ना तो हम बहुत सारे इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे थे क्योंकि ये मेक इन इंडिया करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे मगर हर कोई ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और असेंबली यूनिट की तरह ही देख रहा है मगर टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह नहीं देख रहा था तो हमने ये करा इसको एक सेपरेट एंटिटी में रजिस्टर किया और 2 different एंटिटीज बनाया तो उसके लिए हमने एक राउंड रेस किया $2 million के वैल्यूएशन पे हमने 3 crore रेस किया 3 crore आपने रेस किया और वो एकदम अलग कंपनी टेक्निकली इट इज डिफरेंट एंटिटी वो वाली का क्या नाम GHM Labs Private Limited तो उसमें भी आप पार्टनर हो यस पार्टनर हो इसका नाम क्या एंटिटी का ताकि कंफ्यूजन ना गैरेट मोटर्स बट वो इन्वेस्टर जो है लैब्स में वो इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो इन्वेस्ट कर रहा है मगर हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे को इधर प्रोडक्ट वाला बंदा चाहिए सिर्फ मनी नहीं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होगी करे
इसमें अलग इन्वेस्टर्स रहेंगे, उसमें अलग इन्वेस्टर्स रहेंगे। इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर होती लैब्स में, हाँ, जो अलग कंपनी है, अगर आप एज अ फाउंडर मुझे परमिशन नहीं देंगे इसमें इन्वेस्ट करने की, मुझे बहुत बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि जो अपसाइड है, जैसे पीयूष ने बताया 10x, 100x, वो अपसाइड ये कंपनी में है। यस। तो अगर मैंने आपका साथ दिया, यस, उस कंपनी में, यस, जब आप छोटे थे, और अब इस कंपनी में जहाँ अपसाइड है आप किसी और को लेके आ रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो वो तो बुरी बात हुई ना। उनके साथ किया, हमारे साथ करेंगे तो? मैं बहुत ही श्योर हूँ अगर आज आपको यहाँ डील मिलेगी तो एक ही कंडीशन में मिलेगी, ये दोनों कंपनी सेम है, मर्ज होंगी। करेक्ट, करेक्ट, मर्ज कर सकते हैं। कल रात को हमने उनसे बात भी किया। हमको पता था ऑब्वियस ये क्वेश्चन आएगा। आपके पास कंबाइंड ऑफर है, हाँ, फिर आगे बात करते हैं, अदरवाइज आई एम आउट, आई डोंट नो अबाउट द अदर। आई एम आल्सो आउट अनलेस इट्स कंबाइंड, ऑफ कोर्स। कंबाइंड ऑफर है 1 करोड़ रुपए, 3% इक्विटी के लिए दोनों कंपनीज मर्ज करेंगे। पहले आपने कहा 37.5 सीआर, यस, फॉर 75, यस, वैल्यूएशन, यस, अभी आपका वैल्यूएशन हो गया 33.3 करोड़, यस, 4-4.5 करोड़ से गिर गया। 15 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है ना, तो एवरेज कर लिया मैंने। ओके, ओके, इसमें एवरेज नहीं, इसमें सम होता है, बट गुड। ई बाइसिकल्स का मार्केट साइज क्या है इंडिया में? ग्लोबली इट्स $60 billion, इंडिया में $30 billion. $30 billion है, यस। 2,10,000 करोड़, आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है। आई एम सॉरी बट योर नंबर्स आर नॉट करेक्ट। निखिल मेहर, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एंटरप्रेन्योर्स हो। आई थिंक फर्स्ट टाइम इतने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ भी हो सकता है, या तो आप यूनिकॉर्न बना दोगे या आप जेल भी जा सकते हो। मतलब मेरे लिए अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग एंड रिस्की प्रोपोजिशन है, तो इससे मैं आउट हूँ। थैंक यू निखिल मेहर। एक मस्त बात बताऊं? या आप बहुत मस्त हो। थैंक यू। लेकिन मेरे को दो प्रॉब्लम है। एक, आप अभी तक मेरे को मार्केट साइज और इंडस्ट्री नहीं समझा पाए हो, आपके नंबर्स गलत है। दूसरा, आप केले के छिलके की तरह बड़े स्लिपरी हो। आप एक बात कहते हो वो तुरंत बदल जाती है, फिर दूसरी बात कहते हो फिर वो तुरंत बदल जाती है। तो फॉर दीज रीजंस मैं आज बाहर होना चाहूंगा। पहले आपने बताया कि वो पुराने इन्वेस्टर्स को हम इसमें नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे बिकॉज हमको कोई प्रोडक्ट टाइप का इन्वेस्टर चाहिए। फिर तुरंत उसके 5 मिनट के बाद जब मैंने बोला अरे लेकिन उनको तो चीटेड लगेगा, तब आपने बोला अरे उनसे बात हो गई कंबाइंड करके, दे आर ओके। वो उसके वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक भरोसा थोड़ा कम हो गया मेरा, सो आई एम आउट। मैं एक चीज बता दूं, मेरे को ना अभी कोई एक पिक्चर है गोलमाल। देखिए सब गड़बड़ है, अगर आप कन्विंस नहीं कर पाओगे ना तो मैं तो आउट हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। भाई सिंपल है, ये तो इलेक्ट्रिक बाइसिकल अपन बेचेंगे, ठीक है, इसमें IoT डिवाइस आप खुद बनाते हैं, ठीक है, जो GHM लैब्स करके एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, उधर से ये अभी एक सिस्टर कंपनीज बनाया, मेरे को लगता है गलती किया। अभी एक कंपनी भी बनाएंगे, वो उसका वैल्यूएशन आपके सामने रखा। ऑल्सो विजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड करें दी अदर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, चाइना का डिपेंडेंसी कम कर सके, और वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके थ्रू हम पूरे OEMs को बेचेंगे। ओके, आपका नाम क्या था? निखिल। निखिल, मेहर। मेहर, आप इसको कैसे संभालते हो भाई? इस एनर्जी, पावर, पागलपन को कैसे संभालते हो? द सेम वे समीर हैंडल्स यू। I agree a bit. I didn't feel it difficult. I mean, it's a very normal thing for me right now. आदत हो गई। आदत हो गई, yeah. No, but that is good because I'll tell you, as co-founders जब business में आते हैं ना, तो अगर एक थोड़ा सा अलग type का होता है, तो दूसरा बंदा उसको balance कर लेता है। It's just a perfect sense. अगर मेरी company में भी यही हुआ, अगर मेरा co-founder नहीं होता ना, ये company बंद हो जाती, क्योंकि मैं पागल हो जाता। मेरे को याद आ रही है, मेरे को अपने co-founder दिखाई दे रहा है उसमें, मेरे को आप अपने में दिखाई दे रहे हो। oh. क्योंकि important है co-founder। yes. तो जब तक ये आपके साथ है, मैं आपके साथ। ठीक है? Definitely.
चलो एक ऑफर बनाते, देखो एक सेकंड पीयूष, हम साथ कर देंगे, वो तो गोज विदाउट सेइंग बॉस. थैंक्स, आई लव यू. देखो आप अच्छे हसलर हो और सबसे अच्छी बात है कि यार गुड सेल्समैन बॉस. या लवली सेल्स. आई नो भले ही आपने वो ऑफर यहाँ बनाई पर आपने बना दी, तो इसका मतलब आज आप डील लेने आए हो, राइट? यस. कुछ भी करके. यस. हमारा ऑफर 1 करोड़ और 7.5%, जिसमें 3.75 अमन का है, 3.75 मेरा है, 50 लाख ईच. दिस इज अंडर द अजम्पशन ऑफ टू कंडीशंस. वो इन्वेस्टर और मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, दोनों का वैल्यूएशन सेम होना चाहिए. okay. और दोनों का कंपनी भी सेम होना चाहिए. ओके. लैब्स और गियर हेड मोटर एक कंबाइंड एंटिटी बनेगा. ओके. जिसके अंदर मैं, अमन जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो रहेंगे. क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं, हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन 15 करोड़ मिनिमम रखना चाहते हैं. ठीक है, तो आप 15 रखना चाहते हैं? 15 रखना. 1 करोड़ के हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 लाख. yes. और आपको चाहिए 6.67% हम हमें दोगे. yes. डिवाइडेड इन बोथ ऑफ अस. करेक्ट? यस. डन. डन. डील पक्की. डील पक्की. कांग्रेचुलेशंस. उससे बच के रहना भाई. ये मेरा समीर है. मुझे, मैं तू हूँ, मेरे को समीर. अपन तो एक ही प्लैनेट के. मैं तो पैसे लेके आऊंगा कंपनी में. गुड लक, ऑल द बेस्ट.